साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जोहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक प्यारा सा जगह है हसदेव, और वहाँ पे एक प्यारा सा जंगल भी है जहाँ की प्राकृतिक वादियाँ हम सबकी जान है, हम आदिवासियों की जान है। वहाँ पे इतनी मिनरल्स है, इतनी प्राकृतिक संपदा है, इतनी सौंदर्य चीज़ें हैं, पर हमारे उस हसदेव के जंगल को, उस प्राकृतिक वादियों को, उस खूबसूरती को बुरी परछाई पड़ चुकी है अडानी और छत्तीसगढ़ सरकार के नाम से। तो साथियों, वहाँ पे एक समिति है, हसदेव अरण्य संघर्ष समिति, जो लगातार 2012 से हसदेव के प्यारे प्यारे जंगल को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है। तो हमारे एमपी से भोपाल से चल करके साधना रुकी जी पहुंची है उस आंदोलन को मजबूती देने के लिए, उस आंदोलन को बड़े स्तर तक ले जाने के लिए और हसदेव जंगल को बचाने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आप सभी मिल करके कि उस आंदोलन किस तरीके से मजबूती थी, क्या वहाँ की स्थिति है, वहाँ के युवा लोग रात रात भर किस तरीके से आंदोलन करते हैं, और हम सब अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से योगदान दे सकते हैं उस आंदोलन को। जोहार जिंदाबाद, मैं साधना। जोहार जिंदाबाद। हम लोग छत्तीसगढ़ सरगुजा में आए हुए हैं, जहाँ पर हसदेव बचाओ को लेकर महाआंदोलन चल रहा है जी, और 2012 से अभी तक चल रहा है। और देख सकते हैं हम लोग हसदेव अभयारण बचाओ संघर्ष समिति, यहाँ की जो समिति है वो लोग 2012 से अभी तक संघर्ष कर रही है। और हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह के जो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, समिति का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के जो विस्थापन करने की जो प्रक्रिया सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ की पूरी युवा टीम यहाँ पर खड़ी भी हुई है, थोड़ा सा इनके इधर भी कैमरा कर दीजिए। तो हम लोग, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार हमारा सोशल मीडिया ही है, तो हम इस वीडियो को डालेंगे हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब वगैरह पर भी डालेंगे, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो आज की हमारी आदिवासियों की जो लड़ाई है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र है, हमारा मोबाइल, जिसे हम लोग अपने से ही पहुंचाते हैं जन जन तक। क्योंकि जो सोशल मीडिया, जिस तरीके से मीडिया लोग आती है, जो सरकार की मीडिया जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आती है, तो भरोसा ना करते हुए हमारे समाज की बात हम अपने लोगों तक अपने मोबाइल के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया, जो आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा हो गई है, इसके माध्यम से ही जन जन तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में इतना हसदेव बचाओ के लिए ये भाई इन्होंने डाला था, कुछ काम जी ने एक वीडियो डाला था, मैंने उसको शेयर किया था। तो यदि कुछ भी परेशानी होती है यहाँ पर, तो आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दे दीजिएगा, तो हम तुरंत उसको पोस्ट करेंगे। और पोस्ट करने के बाद हमारे जो भी जितने भी वीडियो जहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमारे संपर्क में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह के मतलब संपर्क में है, तो आप लोग हमें जरूर वीडियो भेजिएगा। जो भी कभी परेशानी आती है, तो हम लोग बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोग एकदम से नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जरूर आप लोग की हेल्प करेंगे। और आज मैं पहली बार यहाँ पर सरगुजा आई हुई हूँ, तो मुझे देखकर दुख भी हो रहा है कि हमारे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग, मतलब बेचारे दिनभर यहाँ पर आंदोलन करते हैं, दिनभर अपना समय देते हैं यहाँ पर हमारे जल, जंगल, जमीन के लिए, जो हमारी एक तरीके से हमारी जीवन करने की संपत्ति है, उसको बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। बल्कि सही मायने में तो शासन प्रशासन, जो हमारी सरकार है, इनको हमें संरक्षण देना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा ही हमारी जमीन, जल, जंगल, जमीन छीन रहे हैं। उन्हीं को ये ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर कई योजनाएं चलानी थी, इन लोग को रहने की व्यवस्था, अच्छे से मकान बनाने चाहिए थे, कई योजनाओं का लाभ देना चाहिए था, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देने के कारण आज इस तरीके से, बल्कि सरकारी इनकी जो बची कुची संपत्ति है, उनका जो जमीन है, उसको छीनने के लिए पीछे पड़ी हुई है। तो बड़े बड़े खदानें बना दी गई है, क्योंकि किस लिए, क्योंकि यहाँ पर संसाधन है, और जो बड़े बड़े अंबानी अंडानी लोग हैं, और वो मोदी सरकार जो है, वो पूरी तरीके से जो सरगुजा जंगल है उसको नष्ट करने के लिए लगी हुई है। तो हमारे जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण के लोग हैं, जो उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप सभी से भी निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और सरकार के पास ये बात पहुंचाएं। आप किसी भी स्टेट के हो, कहीं के भी हो, या देश विदेश, क्योंकि यहाँ पे जो भारत, हमारी सरकार है, जिस प्रकार से यहाँ पे जमीनी स्तर को जो उखाड़ने का सोच रही है, आदिवासियों को फेंकने का सोच रही है, विस्थापित करने का सोच रही है, ये हमारे मूल जो अधिकार दिए हैं संविधान में, उसको उल्लंघन कर रही है, तो हम भी उस पर केस कर सकते हैं। इसी के साथ आदिवासी की और भी दैनिक हो गई है, तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे ऐसी जगह में भी इन लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है, यहाँ पे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो साथ ही बस इतना ही बोलना चाहूंगी, आप लोग भी कुछ बोलना चाहते हो तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आज सागर जी हमारे सरगुजा में आए हैं,
यहाँ जो हस्बैंड गुजर है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। प्रीशियस टाइम बिकॉज आपका जो टाइम होता है शेड्यूल होता है बहुत कम रहता है, लेकिन हमारे बीच में आए, बहुत खुशी हुई। ये मेरे समाज है, मेरा परिवार है, तो हम लोग को आना ही पड़ेगा क्योंकि हम समाज के लिए खड़े हुए हैं, क्रांतिकारी हैं, तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है। तो हमें धन्यवाद ना देते हुए हमें अपने परिवार का समझे। जी मैं भी कहना चाहता हूँ क्योंकि जो यहाँ पे जो आदिवासी जो भाई यहाँ पे पीड़ित हैं, उस दुख को मतलब मध्य प्रदेश से मतलब अपने दुख समझकर यहाँ पे आए हैं हमारे इस समय पे इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए, जिसे वो और लड़ाई मतलब जो लड़ना है उसको और आगे तक हमारे जो मध्य प्रदेश के हमारे सगा समाज है उसका आगे बढ़ाएं। और कोई बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद साधना बहन, और आप आई हल दोनों को समर्थन देने के लिए मैं आपको तय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग अपना बिस्किनती समय देके हम लोग को टाइम दिए और आए, और हम लोग सभी उत्साहवर्धन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और मैं चाहूँगा सभी भाई बहनों को कि आप लोग दीदी का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग का हल दो का जो मूवमेंट है और जन जन तक पहुँचे, आप सभी क्रांतिकारियों तक, ताकि जो दर्द समस्या जो है वो सरकार तक पहुँचे और संज्ञान मिले। मैं इतना कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर कहना चाहूँगा जो खदान के बारे में जो मैं बात देखा करना चाहता हूँ, वी हैव गॉन इन द पैक ऑफ डेवलपमेंट बट वी हैव सीन डिस्ट्रक्शन इन चीज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो अडानी कंपनी है हम आदिवासियों के साथ छलावा कर रहा है, वी नीड टू स्टेप टूगेदर लाइक दिस एंड फाइट अगेंस्ट दिस डिक्टेटर कंपनी एंड गवर्नमेंट, एंड दिस टाइम वी विल मेक द गवर्नमेंट। देखा आप सभी ने कि यहाँ के जो युवा लोग हैं, यूथ लोग हैं, जो अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए खुद आगे आते हैं, ये भी सब स्टूडेंट लोग हैं, तो इनका भविष्य कहाँ है। तो इसलिए हमारे सभी सगा समाज के, गुणवाना लैंड के जितने भी साथी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, इस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी का भविष्य का सवाल भी है और हमारे जल जंगल जमीन की बचाने की लड़ाई भी है। तो हमें सरकार से मिलकर लड़नी पड़ेगी, नई योजना बनानी पड़ेगी और सही तरीके से लड़ना पड़ेगा, बैठ के सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जब कोई भी हो।